अंदर की नमस्कार चूस्त मेगा रईत टीवी मनम ढिल्ली शिवार चिल्ला ग्रमा की इकड़ सुनील अने रईत तन कुट सभ्युलो रोड पक्ने जीवन को षापेकोनी दाने पक्ने नागु आवल रूम गेदल पेकोनी ने की 60,000 रूपये वाट आदायानी आर्जिस्ना तने ओन मार्केटिंग से इपू आये मटल मन विदावी ఎందుకంటే నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం వేసింది మేము ఎక్కడికో వెళ్తున్నాము వెళ్తుంటే షడన్ గా ఆగి టీ తాగుదామని ఆగాము కానీ ఆ టీ వచ్చేసి స్వచ్ఛమైన పాలతో చేస్తున్నాడు ఆవు పాలతో అందుకని మాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం అని చెప్పేసి మేము ఈ వీడియో చేశామండి ఇక్కడ వారికి తెలుగు రాదు కాబట్టి హిందీలోనే మాట్లాడించానండి ఎందుకంటే వారి మాటల్లోనే మనం వింటే నిజాయితీగా ఉంటదని ఉద్దేశంతోటి మనం ఏమి డబ్బింగ్ చేయట్లేదండి सो अंदुकने आयनतोने डैरेक्टुगा मात्लाडिंचानु आयनकि दग्गरलो पोलम उंदंटंडि 2 एकरालु दांट्लोने मेत तीसुकोच्चि वेस्ताडंटंडि आ पोलम केवलं मेत कोसमेनंटंडि अप्पुडप्पुडु आवुल्नि कूडा तोल्तो उंटाडु दांट्लोकि स्वच्छमैन पालतो टी पेट्टिस्तुन्नाडु अंदरिकि निजंगा हैट्स ऑफ अंडि आयनकि सुनील गारिकि नमस्कार नमस्कार मेरा नाम क्या जी सुनील है सुनील हां ओके आप ये गाय का कितना साल से कर रहे हैं गाय को बीमारी कम से कम 15-16 साल हो गए 15-16 साल हो गए ये विलेज का नाम क्या है आप चिल्ला गांव ये कहाँ है ये चिल्ला गांव मयूरिया फेस वन में ओके मयूरी फेस वन अभी आपका बचपन से यही काम है क्या हाँ हमारा बचपन से हमारे पापा दादा सब यही काम करते थे ओके हाँ मतलब डेली आपको कितना इनकम आता है क्या है कितना दूध बेचते हैं बाइल्स कितना है गाय भैंस हमारे पास दो हैं और गाय हमारे पास 500 गाय है तो अब वो ये कुल मिला के इसमें इसका ये ग्रास कहाँ से आएगा जो इसको खाने के लिए ये खेतों से आते हैं और फिर अपनी गाजीपुर से जो भूसा वगैरह लाते हैं ऐसे आपका खेती है और किसी से ये हाँ, खेती है? अपनी है हाँ जी मतलब डेली कैसे लेके आते हैं खेती से बाइक वगैरह भी देखना है ना खर्चा तो बताते रहे या अब मिला जैसे 60 रुपये किलो दूध है हमारा तो अब 60 रुपये किलो दूध उसी हिसाब से बचाते हैं तो उन्हीं की लागत लग जाती है इसमें चारा वारा हो जाता है बाकी जो बच्चा कभी 10 बच गया कभी 12 बच गया ऐसे हो जाता है अभी एक एक गाय का ऊपर आपको कितना दूध देता है कितना आप सेल करता है कितना पैसा मिलता है एक गाय कम से कम 8-10 किलो दूध दे देती है ओके कुछ सारा गाय ऐसा नहीं है मतलब कुछ गाय कम देते कुछ गाय ज्यादा हाँ कुछ कम देती है कुछ ज्यादा देती कोई 12 किलो भी देती है कोई 14 किलो भी देती है इसमें मतलब आपको पैसा कितना कमाता है मिनिमम 10-12 मतलब एक एक तो महीने में 50-16 हज़ार तो मिलेगा हाँ 60,000 हाँ महीने में इतना तो मिल ही जाता है ओके मतलब आपका 3-4 लोग काम कर रहे हैं हाँ जी 3-4 का ऊपर है हाँ जी जिंदगी चला रहा है हाँ जी परिवार पूरा अपने इसी में लगा हुआ है हाँ जी हाँ जी तो इसका नाम क्या बोलते हैं वहाँ है। इसका ये देसी गाय है देसी गाय हाँ देसी गाय मतलब कौन सा ब्रीड है ऐसा कुछ बता सकते हैं ब्रीड तो इसमें अलग होती है साहिवाल है दोगली साहिवाल है ऐसे एक गीर होती है ये देसी दोगली है देसी दोगली हाँ सारा ऐसे वैरायटी है ये है बिलायती बोलते हैं ना जर्सी गाय इसका नाम क्या जी ये जर्सी गाय बोलते हैं इसको जर्सी दोगली हाँ अच्छा ये कहाँ से आया ये भी गाजीपुर से लाए हम गाजीपुर से हाँ मंडी से वो बाजार दुकान घर में खुद का है कितना गाय है हमारे घर में पास आके जो हुआ हमारी जो पास आके कम से कम 3 या 4 गाय जो अपने घर की है बाकी अपना अभी तो 3-4 तो खेतों पे गई है हमारी खेतों पे गए हाँ खेतों पे खेतों पे मतलब ये मेन रास्ता हाँ, जाना पड़ेगी हाँ मेन रास्ता हाँ, बहुत मुश्किल है ना हाँ वहाँ तो मुश्किल है वहाँ पानी कीचड़ वगैरह है ना वहाँ ज़्यादा अच्छा इसका बारे में बताइए भैंस इतना दो है आपका पास हाँ भैंस दो है हमारे पास इसका दूध ज़्यादा नहीं बेच सकते है क्या नहीं ये महंगी आती है ना ये 1.25 लाख से कम नहीं आती है
अच्छा ये 100 होता है। हाँ तो गाय का दूध कितना होता है? मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख रुपए से कम नहीं आती है। अच्छा हाँ इसका कास्ट इसकी कीमत ज्यादा है। 1 लाख है? हाँ हाँ 1 लाख है, कोई 80,000 की है, कोई 85,000 की है। अच्छा हाँ, इसलिए मेंटेन नहीं कर पा रहे ज्यादा। हाँ इतना पैसा है नहीं जो अपने उसमें करे। हाँ बसता नहीं है, सही बात है। ये हरियाणा का है क्या? हाँ ये देसी है, भैंस देसी है। हाँ मतलब एक क्रॉस ब्रीड मुर्रा जैसा दिख रहे मुझे। मुर्रा टाइप है? हाँ मुर्रा टाइप। मतलब ये कितना दूध देता है? ये 10 किलो 12 किलो ऐसे दे देती है। हाँ दोनों टाइम का। अच्छा हाँ दोनों टाइम। हाँ मतलब इसका भी थोड़ा पैसा मिलेगी? हाँ इसका भी 70 रुपये किलो दूध जाता है इसका। ओके हाँ इसमें इसका महंगा जाता है, ये 60 रुपये किलो जाता है गाय का। हाँ और ये 70 रुपये जाता है। मतलब ये भैंस का 70 रुपीज़, ये 60 रुपीज़ में जाता है। हाँ जी हाँ जी। मतलब दाने का कास्ट कैसे? సునీల్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటండి, గేదెలైతే 100,000 రూపాయలు వాల్యూ అంటండి, ఆవులైతే 60-70 వేలకు వస్తాయంట, 100,000 పైనే కానీ తక్కువ ఉండవంట కొనడానికి, ప్లస్ అవి మేత కూడా ఎక్కువ తింటాయంట ఆవులతో పోలిస్తే. రేట్ వచ్చేసి ఇవి 60 రూపాయలు అమ్మితే అది 70 రూపాయలు అమ్ముద్దంట అంతే. సో అందుకని సో ఆయన్ని గేదెలను మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అండి, అందుకని నేను ఎక్కువ తీసుకోలేదు. అవి పాల రేటు కూడా ఎక్కువ, నాకున్న కస్టమర్స్ అందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఆవు పాలే కొంటారండి నా దగ్గర. సో అందుకని నాకు ఆవులు మేపటమే చాలా ఈజీ అని చెప్తున్నారండి ఆయన. ఇంకా ప్రాఫిట్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా నాకు ఆవులే లాభదాయకం అండి, వాటి పిడకలను కూడా మేము తందూరి ఛాయ్ కోసం ఉపయోగిస్తామండి అని చెప్తున్నారు. మనం ఇప్పుడు ఛాయ్ తాగామండి, ఇందాక వీడియో ఫస్ట్లో చూపించాం కదా, సో అది ఈ పిడకలతో చేసిన ఛాయనండి, తందూరి ఛాయ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఆప్ ఆప్కా వైఫ్ దోనం కామ్ కర్తా ఇస్కే? హా హా దోనం. ఓకే హా మన్నా ఇసా ఉస్కు క్యా బోల్తే హో గ్రాస్? ఇస్కో సర్సో హై, పాలక్ హై, మేథి హై. పాలక్ కా వేస్ట్ పాలక్ జో భీ హై వో ఖాతా హై? హా వో సబ్ ఖాతే హై. వో కహా సే లాతే ఆప్? ये तो में देते है? नहीं नहीं ऐसा, ये शादी थी यहाँ। अच्छा हाँ तो उसमें, हाँ उसमें जो बचा हुआ तो। अच्छा हाँ। और कुछ इसको बढ़ाना चाहता है क्या आप? हाँ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे गाय भी लेना चाह रहे हैं अपने, भैंस का तो खैर नहीं, गाय ही लेंगे जब लेंगे। हाँ गाय का दूध आपका अच्छा सेल हो रहा है? हाँ गाय का दूध सेल, अपने गाय का दूध सही है अपना, उसमें जो है दवाइयों को भी काम आ जाता है, बच्चों को भी काम आ जाता है। लोगों मतलब गाय का दूध ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? हाँ गाय का दूध बच्चा लोग। हाँ जी हाँ जी। जो शुगर पेशेंट्स हाँ जी हाँ जी गाय का दूध पसंद करते हैं। हाँ जी इसलिए आपको गाय थोड़ा बढ़ाना चाहता है? हाँ जी। गाय जगह तो ज़्यादा नहीं है, फिर कैसे बढ़ाएगा आप, क्या प्लान है आपका? जगह तो यही है कि जब तक यहाँ है यहाँ है, नहीं तो अपने खेतों पर ले जाएंगे। खेतों पर? खेतों पर कुछ शेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं? हाँ फ्यूचर में आप? हाँ आगे बढ़ने के लिए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ఫ్యూచర్లో ఆయన పొలంలోనే షెడ్ వేసి డైరీ ఫామ్ లాగా పెడతారంటండి, కేవలం ఆవులే, అదండి ఆయన ప్లాన్. ఇక మనం దూడల గురించి చూద్దాం. అభి ఇస్కా బారే మే బతాయే. హాన్ జీ యే కిత్నా మహీనాకి క్యా హై, మత్లబ్ యే మేల్ హై ఫీమేల్ హై, ఐసా క్యా బోల్తే గాయ కో? యే హై 1.5 సాల్ కి। 1.5 సాల్ కి? హాన్ వో క్యా హై వో? యే హై బచ్చియా। బచ్చీ? హాన్ బచ్చీ। అచ్చా ఓకే। ఔర్ ये है अभी 4 महीने का। ओके हाँ ये है बछड़ा, लड़का है ओके। हाँ और ये है 6 महीने की। ओके हाँ ये भी ये लड़की है ओके। हाँ और ये भी लड़की है, ये लड़की। हाँ ये भी जो 3-4 महीने आपको का। लड़की है तो ज़्यादा पैसा मिलेगी, लड़का है तो हाँ तो इनको इनको हम खेतों पर छोड़ देते हैं। ओके हाँ। अच्छा हाँ क्योंकि काम करने के लिए काम नहीं करते इनको, अपने वही चारा वाला जो घास फूस है वही खाते रहते हैं। हाँ ओके। बाकी ये इनको पाल लेते हैं, पाल के अपना बड़ा हो जाते हैं। अच्छा ये अभी इसमें दूध लेके जाते हैं आप? हाँ जी। मतलब आप इंडिविजुअली घर जाके बेचते रहते हैं? हाँ जी घर जाके, इसलिए ज़्यादा पैसा मिलता है। हाँ जी। अगर मतलब मिल्क सेंटर्स को डालेगा तो पैसा इतना नहीं मिलेगी? हाँ उसमें इतना नहीं मिलेगा पैसा। वो कितना आता है आपको, कितना रुपये में बेचते हैं? कौन सा वाला मिल्क सेंटर में कितना पैसा आता है वहाँ? अगर हम इकट्ठा दे दें किसी को
तो कम लेता है, 10 रुपये 5 रुपये कम में लेते थे। ओके हाँ, अब डायरेक्ट घर जाके ओनर लोग को भेजेगा तो ज़्यादा मिलेगा। हाँ, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट। अच्छा, इसलिए आप खुद जाके कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत साल से यही कर रहे हैं। हाँ जी, काम। अच्छा, अभी इसको मतलब कितना दिन में लेके जाते हैं यहाँ से? इसको अब ये गर्मियों में चला जाएगा सब। गर्मी में? हाँ, क्योंकि गर्मी में यहाँ रखना नहीं है, मच्छर अच्छर बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये गर्मियों में सब साफ हो जाए। अभी ये आपका अभी ये इतना छोटा शेड में आप गाय का ये कर रहे हैं, मतलब बारिश का टाइम पे, धूप का टाइम पे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? मतलब पूरा शेड अच्छा नहीं है, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप बारिश का टाइम पे? बारिश के टाइम पे जो गायें हैं उनको तो ये तिरपाल के नीचे जो है ना वो बांध देते हैं, पानी जो आता नहीं है। बाकी भैंस को इधर कर देते हैं, भैंस को पानी की कोई दिक्कत नहीं होती, गाय को ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, गाय को ज़्यादा? हाँ, गाय को ठंड ज़्यादा होती है। वो भैंस जो पानी को ज़्यादा मानती है ना। अच्छा, हाँ, भैंस गर्मियों में पानी पानी चाहिए उसको। अच्छा, हाँ, गाय को, गाय को पानी से ठंड लगती है। अच्छा, ये एरिया का भैंस को तो बहुत छोटा में आप ये सब कमा रहे हैं? हाँ जी, ये सब मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी, सुनील जी, आपने दूध का कितना बजे निकलता है सुबह? सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक। अच्छा, सुबह 4 बजे से तक से 6 बजे तक गाय का काम करता है। हाँ। दूध 6 बजे के बाद बेचने के लिए हाँ, जाता है। हाँ। ओके, 7 बजे आपका काम ही हो जाता है? हाँ जी, 7 बजे से मतलब 9-10 बजे, 9 बजे जाते हैं, 2 घंटे तक। हाँ, 2 घंटा। शाम को? शाम को भी वही 4 बजे से लेके 6:30। अच्छा, 12 घंटे का हिसाब होता है। अच्छा, शाम को भी सेम 4 बजे आए आप चालू करेगा काम, दूध निकालना, 6 बजे पैक करके आप बेचने के चला जाएगा। इसका बीच में क्या करेगा? इसका इसके बीच में इनका चारा वारा के लिए जाएंगे, खेती जाके लेके आएंगे, खेत जाके फिर गाजीपुर जाना। कुछ गाड़ी है क्या? गाड़ी में लेके आए? बाइक, बाइक है, बाइक पे जाते हैं। यहाँ से कितना दूर है खेत आपका? खेत हमारे यहाँ ज़्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अगर गाय को लेके जाना है तो रास्ता पे लेके जाना पड़ेगा। हाँ, 2 किलोमीटर तो बहुत दूर है ना। हाँ, कभी कभी लेके जाता है? हाँ, आधी गाय जाती है, जो पुरानी वाली है तो नहीं है, जो पुरानी वाली है ना वो हमारी जाती है। अच्छा, पुराने वाली जाती है। हाँ, रास्ता पे चल रहा है। हाँ, वो रास्ते पे चले। थैंक यू जी, सुनील जी, नमस्कार। రోడ్డు పక్కన ప్యూర్ మిల్క్తో తందూరి చాయ్ తాగుతున్న శ్రీకర్ణ.